अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज शेयर कर रही हूँ एप्पल पाई स्प्रिंग रोल्स। और स्प्रिंग रोल्स आपने वैसे तो खाए होंगे मीट वाले, वेजिटेबल्स वाले, लेकिन ये एप्पल वाले हैं और बहुत ही मज़े के हैं, एप्पल एंड सिनेमन। तो इसको बनाना बहुत आसान है। इसके लिए जो है वो मैंने एप्पल कट कर लिए हैं उनको छील के, और आप चाहें तो छिलकों समेत भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल डाला पैन में और हमने ये सारे एप्पल उसमें डाल देने हैं। और डालने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे शुगर, आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। और फिर हम इसको ढक के हल्की आंच पर पकाएंगे अंटल ये बिल्कुल जो है अच्छे तरीके से गल जाए। ये देखिए, ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। थोड़े से ज्यादा ब्राउन हो गए थे लेकिन ये के जले नहीं है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सिनेमन पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये ट्राई ज़रूर करें क्योंकि इसका एप्पल और सिनेमन का कम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके ठंडा होने देंगे। इस मिक्सचर को ही हमारा फिलिंग जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब रोल पट्टी मैं यूज़ कर रही हूँ। उसमें हमने जैसे स्प्रिंग रोल बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही फिलिंग रख के उसको हमने फोल्ड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे मैदा लेके उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसकी भी पेस्ट तैयार कर ली है इसको स्टिक करने के लिए। तो ये आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा फिलिंग डाल सकते हैं। इसको बस इस तरह से रखेंगे और ऐसे फोल्ड करके एक दफ़ा फिर फोल्ड करेंगे, फिर साइडों से अंदर की तरफ दोनों साइडों से, और हम इसको रोल की शेप पे दे देंगे इस तरह से। ये देखें, फोल्ड करते जाएंगे इसको और एंड पे हम इसके वो अपनी पेस्ट लगा कर इसको जो है वो स्टिक कर देंगे। तो इस तरह से हम अपने सारे रोल जो है वो रेडी कर लेंगे। तो ये मेरे पास आलू कीमा का सालन बनाया था, आलू कीमा मटर का तो लेफ़्ट ओवर था थोड़ा सा, तो मैंने कहा उसको ज़ाया होने से बचाएं, उसको भी मैंने रोल बना लिए थे कुछ थोड़े से फिलिंग डाल के कीमा आलू की। तो कुछ जो है वो मेरे एप्पल सिनेमन वाले रोल हो गए थे और कुछ ये जो है मीट वाले हो गए थे। तो इस तरह से आप फिलिंग कोई भी कर सकते हैं, वेराइटी हो जाती है, जो भी चाहें वेजिटेबल वाले बनाएं, चिकन या मीट मीन्स वाले। और इसी तरह मेरे पास समोसा पट्टी पड़ी हुई थी 5-6, तो मैंने कहा इनको भी यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने दो को क्रॉस की प्लस की शेप में मैंने इसको आपस में स्टिक कर लिया है, और दरमियान में उसके एप्पल सिनेमन का मिक्सचर रख के फिर चारों तरफ उसको मैंने पेस्ट लगा के, और इसको हम फोल्ड कर लेंगे, एक पॉकेट की शेप बन जाएगी। तो इस तरह ये एप्पल सिनेमन पॉकेट्स बन जाएंगी। तो ये भी यूज़ हो गई हमारी। इस तरह से ये देख लें, इसको हम फोल्डिंग कर लेंगे। आप इसको चाहें तो समोसे वाली शेप में भी इसको फिल कर सकते हैं, तो आपकी अपनी मर्जी है। तो मैंने कहा थोड़ी सी डिफरेंट शेप करने के लिए, इसलिए मैंने दो दो यूज़ करके इनको इस शेप में बना लिया था। तो अब मैं आपको ये फ्राई करके भी दिखाऊंगी, आपने ज़रूर ट्राई करना है क्योंकि बहुत ही क्रंची बने थे। और इसको आप जो है वो डीप फ्राई करें, तो मैं आपको डीप फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे दुआओं में याद रखें, और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।